अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामेईन व हाज़रीन, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, किस उम्र में शादी कर देनी चाहिए अपने बच्चों की। कुछ लोग इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पता नहीं 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में कब हमें शादी करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज के इस वीडियो में हम आप के इस कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आप तक पहुंचूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो मोहतरम सामेईन व हाज़रीन, आज हम इस बात का ख़ुलासा कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए, हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम आपको बताने वाले हैं कि अपने बच्चों की शादी कब करनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो देखने में आपको महसूस होगा कि उसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन जब आप पता करेंगे उसकी उम्र के एतबार से तो आपको नहीं लगेगा कि शादी हो गई है, लेकिन जब आप पता करेंगे, जब आप मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। और अगर आप बहुत सारे ऐसे लोग को भी देखते होंगे जिनके बारे में आपको ये अंदाज़ा होता होगा कि इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन जब आप मालूम करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इनकी शादी हुई नहीं है, बल्कि ये अब भी जो है वो अपनी शादी के लिए कोशा है और रिश्ते के तलाशो जस्तजू में अभी भी ये शख्स है। तो जो है इस ताल्लुक से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पता नहीं कब हमें शादी करनी चाहिए, हमारी उम्र कहाँ तक पहुँच जाए तब हम शादी करें। तो इस ताल्लुक से मैं आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमान सुनाता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि किस उम्र में शादी करनी चाहिए। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ बाप को चाहिए कि जब लड़का पैदा हो तो उस लड़के का नाम कोई बेहतर नाम रखे, कोई अच्छा नाम रखे। यानी जब बच्चे की विलादत हो जाए तो बाप को चाहिए कि अपने बेटे का नाम कोई अच्छा नाम रखे और उसे अच्छी तालीम व तरबियत दे, यानी पढ़ाए लिखाए, दीनी तालीम दे, हलाल व हराम के बारे में बताए, जायज़ नाजायज़ के बारे में बताए, यानी अच्छी तालीम दे। फिर जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दिया जाए, और बलूगत के बाद भी अगर निकाह ना करे तो इसका गुनाह उसके बाप को होगा। यानी इस हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब बच्चे की विलादत हो जाए तो बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे का कोई अच्छा नाम रखे, यानी वो नाम अपने बुज़ुर्गों की मुनासिबत से और अपने अकाबरीन के मुनासिबत से उस बच्चे का नाम बेहतरीन नाम रखे, कोई अच्छा माना वाला नाम उस बच्चे का इंतखाब करे। और फिर जब वो बच्चा थोड़ा होशमंद हो जाए तो उस बच्चे को अच्छी तालीम और तरबियत दी जाए, यानी बड़ों का अदब, हमें माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, रिश्तेदारों के साथ हमें कैसा रवैया रखना चाहिए, और जायज़ के बारे में, नाजायज़ के बारे में, हलाल के बारे में, हराम के बारे में, नमाज का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, और जो है अख़लाक व आदाब उस बच्चे को सिखाया जाए, यानी बेहतरीन तालीम व तरबियत उस बच्चे को दी जाए। और जब वो बालिग हो जाए तो फिर उसका निकाह कर दिया जाए, वरना इसका गुनाह उसके बाप को होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बालिग होने के बाद, इसको अच्छी तरह से आप समझ लें कि बालिग होने के बाद अगर बाप उसकी शादी नहीं कराता है या उसका निकाह नहीं करवा देता है, और फिर इस हालत में अगर वो बेटा कोई गलत काम करता है, जिना करता है या जिना के दरवाजे खोलने वाले काम को अंजाम देता है, जो वो भी गुनाहे कबीरा है, तो फिर हर ऐसा काम जो निकाह की वजह से रुक सकता था लेकिन निकाह ना होने की वजह से उस काम को उसने अंजाम दिया जो गुनाह कबीरा है या सगीरा है, तो उस गुनाह का बदल, उस गुनाह, वो गुनाह जो है
उसके वालिद वालिद को भी मिलेगा क्योंकि उसने अपने बच्चे की शादी नहीं कराई है। तो इसलिए कहा गया है कि जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, वरना अगर वो कोई गुनाह करता है तो फिर उस गुनाह का गुनाह जो है उसके बाप के सर को भी जाएगा, क्योंकि वो एक गार्जियन है और वो अपने बच्चे की शादी करवा सकता था। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन शादी की उम्र जो है वो उमूमन 12 साल के बाद लोग बालिग हो जाता है लड़का, तो हमें चाहिए कि 12 साल के बाद जब भी चाहें आप शादी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि एकदम बिल्कुल निकम्मा होता है, कुछ भी कमाता नहीं है, ना वो नान देने पे कादिर है, ना नफका दे सकता है, ना महर अदा कर सकता है, तो फिर क्या ऐसों को भी शादी कर देना चाहिए उसी उम्र में? तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अगर जॉइंट फैमिली है और अगर उसका बाप इस बात पे राज़ी है कि हम अपने बच्चे की शादी करके हम अपने बेटे की बीवी यानी अपनी बहू के नानो नफका को कुछ दिनों तक हम चला सकते हैं, फिर उसके बाद जब वो मेरा लड़का जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और जब मेरा लड़का जो है वो बरसरे रोज़गार हो जाएगा, फिर वो अपने बच्चों की या अपनी बीवी की किफ़ारत खुद से करेगा। तो फिर अगर इस टाइप का कोई फैमिली है तो वो अपने बच्चों की शादी करवा सकता है, लेकिन इस टाइप का नहीं है यानी बाप खुद गरीब है, बाप खुद फाके से ज़िंदगी गुजार रहा है, और अगर बेटा भी निकम्मा निकल गया और बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, ना नान देने पे कादिर, ना नफका, ना कपड़ा, ना महर, ना घर, तो फिर अगर इस हालत में वो लड़का कोई गुनाह करता है तो इस गुनाह का जो है वो असर उसके बाप को नहीं होगा, यानी इसका गुनाह उसके बाप को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बाप भी गरीब है भाई, और वो शख्स वो लड़का भी निकम्मा है। ऐसा भी नहीं कि उसका बाप उसकी शादी करा के अपनी बहू की किफ़ालत खुद से कुछ दिन तक कर ले, ऐसा भी मामला नहीं है। तो फिर निकम्मे की शादी कराना जो है वो बाप के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि जब तक के बाप जो है खुद इस पोजीशन में ना हो कि वो अपने बहू की किफ़ालत और उसके नानो नफका और सुकना देने पे कादिर हो। मोहतरम सामेन हाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इन बातों को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई शक हो तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।